नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉकलॉन स्टडीज़ के ऊपर तो दोस्तों आज जो एग्जाम था क्लर्क पोस्ट कोड 918 का था तो इसकी आंसर की लेके आए हैं और ये सीरीज सी है तो हमारा पहला प्रश्न है विच इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए ग्राम पंचायत तो इसका राइट आंसर है लेवी ड्यूटीज ऑप्शन डी सही आंसर है उगाही शुल्क नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल फुल्लैज स्टेट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम नेक्स्ट है हमारे पास विच लैंग्वेज इज नॉट रिकोगनाइज इन एट शेड्यूल थ्रू इट इज़ कॉल्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लिश नेक्स्ट है हमारे पास द लेटेस्ट सेंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी थर्टी फोर नेक्स्ट है हमारे पास एम ओ डी वी ए टी रिलेट्स द रिलेशनल ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटीज उत्पाद शुल्क में नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन बाई तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट है हमारे पास विच इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज वर्स्ट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जूट एंड कपास जूट और कॉटन नेक्स्ट है हमारे पास विच रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेबी एस ई बी आई नेक्स्ट है हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट इज ए तो इसका राइट आंसर है पब्लिक प्राइवेट जॉइंट सेक्टर नेक्स्ट है हमारे पास वाट परसेंटेज ऑफ आइसोलेशन इज रिसीव्ड बाई द अर्थ सरफेस तो इसका राइट आंसर है फोर्टी फाइव परसेंट नेक्स्ट है हमारे पास द अर्थ इज़ एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज तो इसका राइट आंसर है जनवरी थर्ड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास द जेस्ट द जेट स्ट्रीम इज फाउंडेड इन द तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोपोस्फेयर नेक्स्ट है हमारे पास द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्वेंटी परसेंट नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन अम्पलेंट इन द लाइटनिंग एंड थंडर तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्वेंशनल नेक्स्ट है हमारे पास ओशियनिक टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक आर नोन एज तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुनामी नेक्स्ट है हमारे पास विच वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पम्पास नेक्स्ट है हमारे पास विच इज नॉट ए स्कैंडवियन कंट्री तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द लार्जेस्ट गोल्फ ऑफ द वर्ल्ड तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेटिकन सिटी नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेकाल नेक्स्ट है हमारे पास विच क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव इन फ्रोस्ट कौन सी फसल सबसे अधिक पाला में पाला के लिए संवेदनशील है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास नेक्स्ट है हमारे पास विच सॉइल हैज लो ह्यूमन कंटेंट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल जलोड़ मिट्टी नेक्स्ट है हमारे पास विच फॉर्म ऑफ कोल इज द ओल्डेस्ट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया हमारा अगला प्रश्न है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फोर्ड माउंटेन्स नेक्स्ट है हमारे पास इन विच सीजन इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल मैक्मम तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आफ्टर समर नेक्स्ट है हमारे पास गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात गुजरात में हमारा अगला प्रश्न है डायमंड माइंस इन इंडिया आर मेनली लोकेटेड एट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पन्ना पन्ना में नेक्स्ट है हमारे पास द हेड क्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज एट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरखपुर नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जोहाजदी मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध मेला है वह किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु नानक देव नेक्स्ट है हमारे पास निर्मंड का भूडा त्यौहार कितने वर्ष के अंतराल के बाद संपन्न होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बारह वर्ष के बाद नेक्स्ट है हमारे पास हु नेम्ड चंबा टाउन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साहिल वर्मन नेक्स्ट है हमारे पास द कांगड़ा फोर्ट वॉज बिल्ट बाई तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुशर्मा चंद नेक्स्ट है हमारे पास द प्लेस ऑफ एटी फोर टेम्पल इज इन एच पी इज तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी भरमौर नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा वॉज एस्टेबलिश्ड इन विच ईयर तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए नाइनटीन एंड सेवन नेक्स्ट है हमारे पास द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज द लव स्टोरी ऑफ तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए राधा एंड कृष्णा नेक्स्ट है हमारे पास विच सेज हैज बीन एसोसिएटेड विद रिवालसल इन द डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश तो इसका राइट आंसर है ऋषि लोमेस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास बिजली महादेव टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट है हमारे पास गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति नेक्स्ट है हमारे पास जूरी इज ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट है हमारे पास किन्नर देश बुक इज़ रिटन बाई किन्नर देश पुस्तक लिखी गई है तो इसका राइट आंसर है राहुल सांस्कृत्याय ने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन एच पी इज इस। तो इसका राइट आंसर है शानंद ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांगड़ा नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समर हिल नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द चौधरी सर्वन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वॉज तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एच आर कालिया नेक्स्ट है हमारे पास कुनिहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोलन डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट है हमारे पास भादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांगड़ा नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड मायो विस्टेड शिमला इन विच ईयर तो इसका राइट आंसर है 1871 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास हमीरपुर टाउन वॉज फाउंडेड बाई तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हमीर चंद ये हमीरपुर के संस्थापक थे नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च अशील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस नेक्स्ट है हमारे पास विद विच कंट्री इंडिया इंडियन नेवी हैज साइंड ए ज्वाइंट गाइडेंस फॉर नेवल कोऑपरेशन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट यू टी हैज रिशेंटली लॉन्च दलित बंधु स्कीम तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च ए न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड तो इसका राइट right आंसर है वर्ल्ड बैंक ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मुहिद्दीन यासिन हैज़ रिजाइन ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी मलेशिया नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैज रिजेंटली पास द कैटल प्रिवेंशन बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए असम नेक्स्ट है हमारे पास विच uh, so, स्टेट है रिसेंटली अनाउंस क्राइड क्रिएशन ऑफ फोर क्रिएशन ऑफ फोर न्यू डिस्ट्रिक्स तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेट यूनिटेटरी पुलिस डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च एन ई एफ आई आर इन्वेस्टिगेशन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश नेक्स्ट है हमारे पास अंडर द रिफॉर्म बिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन हाउ अपीलेट टर्मिनल विल बी अबॉलिश्ड तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइन नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया हैज़ डिफ़ीटेड विच नेशन टू क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इन द टोक्यो ट्वेंटी ट्वेंटी ओलंपिक्स तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी नेक्स्ट है हमारे पास एम ओ इज रिलेटेड टू पी आर इन द सेम वे बी डी इज रिलेटेड टू तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ई जी तो दोस्तों ये थे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सिक्सटी क्वेश्चन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोज़ भी हम नेक्स्ट जल्दी ही ला रहे हैं धन्यवाद